एशिया कप 2022 में सुपर चार के मैच नंबर 8 में आया पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर जिसने ना सिर्फ अपनी बॉलिंग में जादू दिखाया बल्कि अपनी बैटिंग से भी इंडियन प्लेयर्स की खूब धुलाई करते हुए पाकिस्तान को एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त देकर अपनी हार का बदला ले लिया। तो अगर आप लोग भी इस प्लेयर की बॉलिंग और बैटिंग के जलवे देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें क्लिक ताकि आपको इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी सनसनीखेज वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, एशिया कप 2022 में खेले गए मैच नंबर 8 में पाकिस्तान बामुकाबला भारत के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो भारत की तरफ से उनकी पहली विकेट गिरी 54 रन पर। इसके बाद विराट कोहली आए तो विराट कोहली ने बनाए 60 रन। इस तरह विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने मुकर्रा 20 ओवरों में बनाए 181 रन। और जब पाकिस्तान के प्लेयर्स मैदान में आए तो पाकिस्तान की पहली विकेट बाबर आजम की गिरी। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने और मोहम्मद नवाज ने मिलकर इंडिया की धुलाई की और मोहम्मद नवाज ने धुआंधार छक्के मारकर सिर्फ 20 गेंदों पर 56 रन बना डाले। मोहम्मद नवाज ने अपनी बैटिंग से इंडिया के बॉलरों को खूब नाच नचाए और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को भी चलता किया। इस तरह पाकिस्तान ये मैच भी जीत गया और अपनी हार का बदला भी ले लिया और पाकिस्तान की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज करार पाए।